इतनी सी थी लाटू जब मेरे मां बन के उसको संभाले। लोरी गाड़ी आती ना थी मुझे तब मारी वही उंगली पकड़ के सो जाया करती थी। इन हाथों से खाना खिलाता था उसे, बाल संवारता था। अरे उसको चलना बोलना मैंने सिखाया है, पर आज मारे से कहती है कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं? मैं जानता हूँ ये दुनिया कितनी बेरहम है, ऐसे में उसे अकेला लड़ने के लिए कैसे छोड़ दूं? कैसे सामना करेगी दुनिया का ना? मारे से गलती हो गई, उसको ना दो थप्पड़ लगा के वही चुप करा देना था, कुछ भी बोले जा रही थी। अब रुको शिवा। नहीं शिवा, संभालो अपने आप को, संभालो। ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम, संभालो अपने आप को। रसालो जो खेले, पर मैं उसकी बात ना मानूंगा। और आपने कहा था ना कि तुम्हारा प्यार मारी परवाह जो है उसके लिए वो गलत है, क्योंकि मारा और रसाल का रिश्ता बहुत अनोखा है, अनमोल है। कहा था ना आपने? हाँ मैंने कहा था। शिवा मेरी बात सुनो, तुम्हारा रिश्ता अनमोल है, पर अगर तुम चाहते हो ना कि रसाल भरोसा करे तुम पे, तो सबसे पहले तुम्हें उसके ऊपर यकीन दिखाना होगा कि वो अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी लड़ाई अकेले लड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। शिवा, भाई बहन का रिश्ता अनोखा होता है और पति पत्नी का रिश्ता भी अलग होता है, और ये पति पत्नी के बीच की मझधार है, तो उसे अकेले ही सुलझानी होगी ना। तुम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, और तुम जानते हो ना कि ऐसा करके ही तो उसके और समर के रिश्ते में मजबूती आएगी। ना, रसाल को अपनी लड़ाई लड़नी है, लड़े, मैं उसे नहीं रोकूंगा। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, उसे अकेला नहीं पढ़ने दूंगा। मेरे बच्ची है वो, उसको सही गलत का फर्क ना पता, अपना भला बुरा नहीं जानती। मुझे पता उसके लिए क्या सही है क्या। कड़क जी ये तारीख देख रही है, इसी तारीख पे हमें पता चला था कि मारी लाडो अब माँ बनने वाली है। पर मैंने उसी दिन सोचा था कि जब जब ये तारीख आएगी ना, मैं उस दिन को यादगार बनाऊंगा। आज मैं हाँ शायद इससे मारी लाडो का गम थोड़ा कम हो जाए, दो पल के लिए सही वो खुश तो हो जाएगी ना। आधे घंटे में भेजे हुए पति पर पहुंचो, वरना ना आने का क्या अंजाम हो सकता है तुम्हें मालूम है। कड़क जी आप सुन रही है मैं क्या कह रहा हूँ? आप ध्यान क्या है आपका? मैं आप ठीक हो ना? नहीं, क्या कह रहे थे? आपको ना कैसे भी करके बस रसाल को उसके कमरे से बाहर लेके आना है, बाकी सब मैं कर लूंगा। मैं जाके उसका मन पसंद वाला वो केक लेके आता हूँ। इस माला मैं अभी लौट के आता हूँ, आपको बताता हूँ। क्या है ये? मैंने भी बस अपना पर्च निभाया लट्टू, ताकि तेरा और छोटी रसू का भविष्य संवार सकूं। ऐसा मैं आपके इतने बड़े बलिदान को क्यों जाया ना होने दूंगी। रसाल देख, मैं जानती हूँ जो तुझ पे बीती है ना, वो किसी पहाड़ के टूटने से कम नहीं है। अपने पति के ऊपर किसी और का हक जताना वो क्या दर्द दे सकता है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा।
मैंने वो सहा है, पर आज जो तूने फैसला लिया है ना, मैं कुछ नहीं कह रही कि तू अपना फैसला बदल, बस अपने भाई साहब को ना थोड़ा सा वक्त दे समझने के लिए। तू जानती है उसे आदत है तेरी परवाह करने की, तेरा ख्याल रखने की, तेरे आसपास घूमने की। इस हाल तो पूरी दुनिया है इसकी। और आज का दिन तुझे पता है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आज के दिन ना उसे पता चला था कि उसकी छोटी रस्सू इस दुनिया में आएगी। वो आज का दिन सेलिब्रेट करना चाहता है रसाल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ रसाल। तेरा भाई इस दुनिया का हर दर्द सह सकता है, पर तुझसे अलग होने का दर्द नहीं। रसाल, उसे उसकी ये खुशी मत छीन, प्लीज। I request you, please. ठीक है भाभी सर, लेकिन मुझे दिल से अच्छा लगा कि भाई साहब के पास कोई तो है उन्हें समझाने के लिए। तो तू जल्दी से बाहर आ जाना, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके आती हूँ। भाभी साहब आप ठीक तो है ना? I'm sorry रसाल, मैं क्या झेल रही हूँ तुझे बता के तुझे और टेंशन नहीं दे सकती।